लगाए हुए गुलाब माशाल्लाह। मैं दो फूल कहाँ से आया है? ये जी मैं हकान को देने लगी हूँ, हकान स्कूल से आ चुका है। चलो मैंने आ जाओ, हकान आ जाओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, जिसमें कान तक आज मैं स्कूल से आ चुका हूँ। और अतः साहस मामा ने मुझे खाना तैयार ले लेने के लिए, क्योंकि मैं प्ले स्टेशन खेल रहा था। इस वाले फ्राइडे हमारे स्कूल में आर्ट कंपटीशन है, उसके लिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है मुझे मेडल इंशाल्लाह मैं करती हूँ, इंशाल्लाह मुझे फर्स्ट का ही मिलेगा। और उसके बाद अभी कल सब आए थे, मैंने शावर लिया क्योंकि मेरे बाल भी गीले हुए हैं। आप लोगों को सही नहीं लग रहा होगा लेकिन बाल सूखे हुए हैं मेरा हाथ। और मैंने कहना था मैं सोने का हूँ, उसके बाद हेमट से आ जाएगा फिर उठूँगा, उसके बाद थोड़े से कटूँगा देखूँगा, और इफ्तारी होगी, इफ्तारी के बाद जीतो पाकिस्तान। तो मैं जब सो के उठूँगा तब बैग सुनूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखें जी, ये पापा ने लगाए हुए हैं गुलाब माशाल्लाह, खूबसूरत से हैं ये देखें। और यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत, ये देखें। तो इसको पापा ने सारा काट दिया हुआ ताकि दोबारा से ना आए। खूबसूरत खूबसूरत देख रहे हैं कितने प्यारे हैं। अब ये और आएंगे सारे छोटे 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 हैं, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी ऊपर चली जाती हैं, पता नहीं कौन सा मौसम आता, बाहर का होता शायद। ये देखें छोटे छोटे, वो राइट दूसरी हैं, ये इस तरह के हैं और ये इस तरह के हैं। और ये देखें इधर भी हैं माशाल्लाह, ये बहुत ज़्यादा इस पर लगेंगे। और वो नीचे एक लगा हुआ था पर्पल कलर का, वो ख़त्म हो गया। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें खूबसूरत तरीन। इनमें ना पिंक पिंक शेड आता है, जैसे वेलवेट होती है ना, सेम वैसे ही। बहुत प्यारे बहुत प्यारे। चलो जी, तोड़ने का दिल कर रहा है पर तोड़ नहीं सकती, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये वाला। हकान जी यहाँ पे सो रहा है और मैं नमाज़ पढ़ूँगी असर की। और हम लोगों ने जी पंखे लगाना शुरू कर दिए हैं, गर्मी बहुत लगती है। असमा भी नमाज़ पढ़ रही है, अब मैं किचन में जाऊँगी और काम शाम स्टार्ट कर देंगे। इसका आज कुछ स्पेशल बनेगा, सामान आसमान तैयार करती है मेरी प्यारी सी बहन ने। आज मैं फिर मम्मा के साथ गई हुई थी, नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने हकान को उठाया लेकिन ये नहीं उठ रहा था। ये कहते हैं जब वसीम बदामी का शो लग रहा है तो आप मुझे उठा दिया करें एक घंटे बाद। यहाँ पे जी हम रोल समोसे डाल रहे हैं, ठीक है। और आज तो सैंडविच भी बन गई है, तो यहाँ पे जी कुछ और बने ना बने, रोल समोसे तो हमारे घर ज़रूर बनते हैं क्योंकि हम बहुत कुछ खाते नहीं। तो आप ये ना कहिएगा कि रोज़ रोज़ यही बनता है। अफ्तारी बनाना जी मैंने शुरू कर दी थी, पहले तो मैं अकेली बनाती थी लेकिन इस बार असमा मेरी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि साथ साथ रिकॉर्ड भी करना होता है तो असमा साथ लग जाती है मेरे। थोड़ी देर बाद ही असमा आ जाती है साथ ही, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है क्योंकि मैं एक ही काम कर सकती हूँ, या तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ या मैं बना सकती हूँ। अगर रिकॉर्ड भी चलो साथ साथ करना हो तो थोड़ा थोड़ी चीज़ें ही होती हैं, हर चीज़ आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हकान उठ गया था लेकिन सुस्त था थोड़ा सा। पापा जो थे वो कुरान मजीद पढ़ रहे थे, पापा भी ऑफिस से आ गए थे। पापा भी कह रहे थे कि आज जो है ना थोड़ी सी गर्मी है, मौसम चेंज होना शुरू हो गया, पर पापा कह रहे थे कि नॉर्दर्न साइड्स पे बर्फबारी होनी है तो मौसम एक दफ़ा से फिर ठंडा थोड़ा सा होगा कुछ दिनों के लिए। यहाँ पे जी सीने का पीस था, असमा ने जो साफ़ कर दिया हुआ था, क्योंकि मैं चिकन वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं करती हूँ गोश्त वगैरह, तो फिर भी इस पर थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही थी चर्बी वगैरह, तो मैं उसको रिमूव कर रही थी। यहाँ पे जी मैं आलू डाल रही हूँ, भरियाँ थोड़ी कम थी तो उसको मैंने पानी बॉयल कर दिया ताकि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। और बैंगन भी मैं साथ ही डाल दूँगी, रोल और समोसे तैयार हैं यहाँ पे, और पकौड़ियाँ भी तैयार हो गई नहीं है। मैरिनेशन मैंने कर दिया है, जिसकी स्ट्रिक्स थी उसको भी मैंने कर लिया है, मम्मा ने किया सच उसको तो सारा। और अब बस जी हम इसमें डाल देंगे बैंगन, ये देखिए। यहाँ पे जी मिनाहिल आई है, वेव करो मिनाहिल, हेलो थैंक यू। ये देखिए जी मैरिनेशन तैयार है इसकी, ये चीज़ें भी तैयार हैं और इसमें इसको इसकी कोटिंग करेंगे फिर बाद में, ठीक है। यहाँ पे जी ये भी तैयार हो गया, ऑलमोस्ट डन है, बस भलियाँ तैयार है, सारा कुछ तैयार है। भड़े भी भाई आ गया,
तो दही डालूंगी और चटनी तैयार करके तो बना दूंगी। ये जी अहमद वगैरह की तरफ से आया है, वो चावल आंटी मम्मी की तरफ से आया है, तो मेरे रोज ही कहीं ना कहीं से कुछ खा लो, इस काउंट को देख लो, बस बस करो, शोर नहीं डालो। तो हम हर तरफ से ए जिंदा ए कायम रहने वाले, मैं तुझसे तेरी रहमत तलब करता हूं। बस ये तीन दिखाओ। नहीं ना ही नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जाओ, मैं चली जाती हूँ। यार ये बोल तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे गाइस, कलर बहुत प्यारा है। तो वो क्या पड़ा हुआ है शॉपर में, वो ये इसके ऊपर ही पड़ा हुआ था बाइक का। हाँ आप इनकी साइड चेंज करो, मैं इनकी साइड चेंज करती हूँ, वेट करो। गाइस हमारे घर रोज आना जाना लगा रहता है, हम भी देते रहते हैं, लोग भी हमें देते रहते हैं, जल्दी से करो। गाइस तो यहाँ पे आप लोग कहते होंगे कि रोज कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ दे देता, तो ऐसे ही होता है हमारे घर में, हम भी देते हैं डेली, और अब डेली दिखाना अच्छी बात नहीं है, मम्मा को नहीं अच्छा लगता बिल्कुल। तो पहले जी गैस ठीक आ रही होती, बिल्कुल जैसे इफ्तारी का टाइम करीब आता है, 20 मिनट रह जाते हैं तो गैस बिल्कुल चले जाते। कुछ हमारे जो चूल्हे हैं ना, ये जिन्होंने फैशनी चूल्हे लगवाए हैं उनमें गैस वैसे ही कम आते, तो पापा ने छोटा सा चूल्हा ला कर दिया है जिस पर मैं लगा लेती, तो उसमें थोड़ी बहुत आ जाती है काबले कबूल, जिससे चीज़ गर्म रहे और थोड़ी थोड़ी फ्राई होती रहे। पापा जी रोज़ा खुलने से पहले हकान को जो थे ना फ्राइज गर्म थे तो ठंडे करके दे रहे थे, और यहाँ पर जी रोज़ा खुल गया था, खैर से सब रोज़ा खुलना शुरू हो गए थे, सब चीज़ इफ्तारी कर रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह दस्तरखान ऐसे ही भरे रहते हैं, और ये जी बहुत खूबसूरत लग रही थी, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, पापा को बहुत अच्छे लगे थे। और हकान जी इफ्तारी के फौरन बाद भाई और हकान और पापा जो है नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, आसमा मैं मामा भी नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद जी मामा किचन साफ़ कर देते हैं, फिर जो थोड़ा सा रह जाता है वो आसमा कर लेती है, और मैं जो हूँ वो मैं लेट जाती हूँ। और फिर हकान जी आते साथ ही खान और भाई जो है वो प्ले स्टेशन लगा लेते हैं, मम्मा ने नाते वगैरह सुननी होती है तो मम्मा फिर दूसरी रियलिटी पे लगा लेते, कभी कभी यहाँ पे भी लगी रहती है। हेलो गाइस, तो मैं अब स्टडी कर रही हूँ, तो थोड़ी देर पहले मैं प्ले स्टेशन वगैरह खेल रहा था, तो उसके बाद मम्मा ने कहा काम करो, तो मैं काम करना शुरू हो गई हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले का शुरू किया, बस यही याद करना क्योंकि कल इसका टेस्ट है इसका कल टेस्ट है, और उसके बाद थर्सडे को हमारा आर्ट ड्राइंग कंपटीशन है। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं, तो मानिया भी साथ सेंट क्लॉक का ना गया वतराबियाँ पढ़ने, तो अभी आया इतनी देर बाद, तो मानिया कितना ब्लैक एंड मनी के पास आ गया, कहती है मुझे खाना दो, तो इसके तो फिर मैं ये काम करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद तो मैंने ड्राइंग करनी है, प्रैक्टिस वगैरह करनी है, और उसके बाद मैंने खाना है और सो जाना है, नहीं थोड़ी सी एलईडी देखूंगा फिर मैं, क्योंकि जी तो पाकिस्तान लगा हुआ, मैं काम कर रहा हूँ इसलिए मैं नहीं देख रहा, जब मेरा काम हो जाएगा फिर मैं देखूंगा, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ जब तक के लिए। तो यहाँ पे जी कान की स्टडी कंप्लीट हो जाती है, ईशा वगैरह भी हम सब ने पढ़ ली होती है, मम्मा पापा भी सो जाते हैं और भाई भी सो जाता है, लेट जाता है अपने कमरे में जाके, आसमा भी यहाँ पे सो गई होती है, कान कहता है कि मुझे भूख लग रही है, फिर मैं इसको दूध वगैरह दूध के साथ कुछ ना कुछ डेली दे देती हूँ, दूध और पीडियाश्योर, तो खैर ये डेली पीता है। आज इसका काम थोड़ा कम था जिसकी वजह से इसने जल्दी जल्दी काम कर लिया, क्योंकि इसका ड्राइंग का भी था कि मैंने थोड़ी सी मम्मा से ड्राइंग भी सीखनी। हेलो गाइस गुड नाइट, तो कैसे हैं लोग, हेलो तुम्हें करता हूं लोग, अच्छा लगे अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए, इंशाल्लाह मिलेंगे कल, तक के लिए बब्बा। तो गाइस ये देखें मेरी चोट आई, शामी जी यहां पे बन रही है और चाय भी तैयार है, पक के है, पापा का अंडा तैयार है, ये भाई का अंडा है, ये पापा का अंडा है, पहले मैंने सबके लिए कर ली है, मैं रोटी बनाऊंगी। हकान जी सो जाता है, एक सवा एक तक हकान को मैं सुला देती हूँ, उसके बाद जी आसमा भी सोई होती है, आसमा ने 2 बजे उठना होता है, शाने रमज़ान लग जाता है, तो आसमा बहुत सुनती है, फिर खान पाक वगैरह पढ़ती है, जो भी इबादत वगैरह होती हैं, और मतलब कि वो बताई तो नहीं ना जाती हैं, इसलिए आसमा थोड़ी देर के लिए पहले सो जाती है सहरी से। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैं पापा की रोटी से शुरू करती हूँ, पापा की रोटी पे ऑयल बहुत कम लगता है, कभी कभी पापा लगवा लेते हैं, कभी कभी नहीं लगाते, भाई भी नहीं ऑयल वाली रोटी खाता, उसकी भी रोटी सूखी होती है। ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ।
पीछे करो। यहाँ पे जी बस मैं सहरी बना रही थी, मामा कुरान मजीद पढ़ती हैं इस टाइम पे, भाई भी सो रहा था उसको नहीं उठाया था, और हकान जी यहाँ पे सो रहा है। सहरी में तकरीबन 20 मिनट रह गए थे, 20 से कह लेंगे 22 मिनट रोज़ा बंद होने में। हम लोग बिल्कुल एंड टाइम पे खाते हैं, जल्दी में हम लोगों ने खाना होता है, आराम से तो खाते नहीं हैं, यानी आराम से भी खाएं तो 20 मिनट बहुत होते हैं आपके लिए। तो बस जी हकान यहाँ पे सो रहा था। ये लेट इसलिए सोता है, काफ़ी लोग सोचते होंगे कि बहुत लेट सोता है, क्योंकि मैं इसको दिन में लाजमी सुलाती हूँ, शुरू से इसकी आदत है कि ये दिन में लाजमी सोता था, अगर रात को क्योंकि मुझे भी लेट सोने की आदत है तो ये भी मेरे साथ लेट सोए तो इसकी नींद लाजमी पूरी हो जाए। ये रोटी जी भाई की थी, भाई के बाद जी मैं मम्मा की रोटी बनाती हूँ, फिर अस्मा के लास्ट में मेरी होती है। पापा की चाय बन गई थी, संडे वगैरह जो मैंने कटलेट्स वगैरह बनाए थे वो भी बना दिया था मैंने, मुझे एलर्जी हो रही थी जिसकी वजह से मैंने अंडा और कटलेट नहीं लेना था आज, तो मैंने जी दही के साथ रोटी खा ली। अब यहाँ पे जी सहरी हम सब ने कर ली थी और मम्मा जी वॉक कर रही थी, पापा और भाई ने भी वजू वगैरह कर लिया था क्योंकि ये लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। यहीं से जी व्लॉग एंड होता है, आई होप कि आप लोग का व्लॉग जरूर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।